न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है एसके सिंह पर धारा 420, 471 और 468 का मामला दर्ज था। देखिए ये सब कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही उनके ऊपर एफआईआर अनियमितता के तौर पर हुए थे। एफआईआर दर्ज हो उसे कुलपति कैसे बनाया जा सकता है, यहां से ही सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह गोमती नगर लखनऊ के हैं। ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का धारा 10 के तहत जो कुलपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो मापदंड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सो 2013 में अपने जजमेंट में, अपने न्याय निर्णय में कहा था कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए कुलपतियों की, तो उसमें ये तो प्रोफेसर ही नहीं है। उसके बाद इनके विरुद्ध लखनऊ में हसनगंज थाना में, लखनऊ में जो थाना है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो थाना है जिस अंतर्गत आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां के थाना में इनके विरुद्ध 420, 467, 468 और 120 बी में मुकदमा दायर है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से, उस एफआईआर की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 के पास, वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें एसके सिंह पर धारा 420, 471 ये वो धाराएं हैं, ये कहीं से उन मापदंडों को, उन मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे जिससे इन्हें वीसी बनाया जाता। क्या ये सभी व्यवस्थाएं शुरू से ही गड़बड़ की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए एफआईआर की कॉपी हमारे न्यूज 18 के पास है और इसमें स्पष्ट रूप से आप अगर देखेंगे तो जो धारा है 420, 468, 471 जो पूरी तरह से एक ढंग से कह रहे हैं कि फर्जीवाड़े का ये आरोप लगा है हसनगंज थाने में। यहाँ पे एक आरोप ये बन रहा था कि वहाँ पे नियुक्ति का मामला था और जहाँ पे कंप्लेंट करने वाले प्रशांत पांडे थे उन्होंने ये आरोप लगाया था और एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर किसी को वीसी बनाया जाता है तो माना जाता है कि उसकी योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता उसकी ये होती है कि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उस पर कोई आरोप ना हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर कुलपति रहते हुए अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर एफआईआर के तीन तीन धाराएं लगी हुई हैं, बावजूद उसके राजभवन अगर वीसी बनाता है किसी विश्वविद्यालय के, तो सवाल तो उठते हैं विभा, और कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे, किस रूपों में और किन कारणों से इन्हें वीसी बनाया गया। जी बिल्कुल रवि, लेकिन ये कैसे संभव है कि इन धाराओं के तहत